चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेलो एल्केन हेलो एडीन का पार्ट फोर वाला जो वीडियो वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट फोर के वीडियो में हम लोग पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। उसमें से जो मेन है डीडीटी, फ्रियॉन्स, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइक्लोरोमिथिन, एज पर सीबीएसई सिलेबस जितना है उतना ही हम बताएंगे। तो पहला पॉलीहैलोजन कंपाउंड डीडीटी, इसके बारे में पहले सीखते हैं। देखो इसका पहला ओपेक नेम, आईयूपीएसी नेम देखो, 2,2-bis-4-chloro-phenyl-1,1,1-trichloroethane। देखो ये कैसे हुआ, ये नंबरिंग वन और टू, वन में देखो 1,1,1, 1,1,1 में ट्राइक्लोरो मतलब दो कार्बन है, इथेन है, और ये क्या है, ये ग्रुप जो है कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जो है उसका यहाँ पे नंबरिंग होगा 1, 2, 3, 4। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर दो रहता है तो वहां पे डाई के जगह पे क्या होता है, बिस होता है, तीन के जगह पे ट्रिस होता है। तो वहां पे देखो 2,2 क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये हो जाएगा बिस, बिस मतलब दो, मतलब सेकेंड वाला कार्बन के साथ दो दो कौन सा ग्रुप है, 4-chloro-phenyl ग्रुप है, 1 के साथ 1,1,1-trichloroethane। तो पहला है। अब दूसरा जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्लोरोबेंजीन विथ क्लोराइल, क्लोराइल किसे कहते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड, ये वाला C के साथ CH3CHO होता है, एसिटाल्डिहाइड यानी इथेनॉल। तो ये तीन एच को तीन सीएल से सब्स्टिट्यूट कर दो और यहाँ पे CHO, देखो CHO, तो इसका नाम है ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। इसके साथ क्लोरोबेंजीन को अगर मिलाओगे कितना मोल्स है, 2 मोल्स, तो यहाँ से HH और O, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा इस कार्बन एटम के साथ, C के साथ। देखो ये दो ग्रुप एड हो गया, ये H जैसा है वैसा ही रह गया, C के साथ CH3, ये देखो। तो क्लोराइल को, क्लोराइल को अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन मिलाकर कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है, डीडीटी बनता है। तीसरा है इसका यूज, देखो ये सबको मालूम है, इट इज चीप एंड पावरफुल इंसेक्टिसाइड, ये चीप और बहुत पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है, यूज टू किल मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज और दूसरे इंसेक्ट्स को किल करने के काम में आता है और बहुत इफेक्टिव होता है अगेंस्ट एनोफिलिस मॉस्किटोज, तुम लोग जानते हो, व्हिच स्प्रेड मलेरिया एंड लाइस, लाइस जो क्या करता है, व्हिच कैरीज टाइफस। अब नेक्स्ट पॉइंट है हार्मफुल साइड इफेक्ट ऑफ डीडीटी, डीडीटी का हार्मफुल साइड इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में भी सीबीएसई से पूछा जाता है कि बताओ कि डीडीटी का यूज जो है यूएसए में क्यों बैन किया गया था, व्हाई द यूज ऑफ डीडीटी वाज बैन्ड इन यूएसए। तो देखो क्या क्या रीजन हो सकता है, मेनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू डीडीटी, ठीक है ना। तो डीडीटी मतलब अब खेत में हम लोग क्या करते हैं, इसको इंसेक्टिसाइड्स के हिसाब से हम लोग छिड़कते हैं, तो इससे क्या होता है, कुछ कुछ इंसेक्ट्स जो है क्या होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब उसको और मतलब उसका पॉइजन का जो लेवल है, डोज है, मतलब वो और पॉइजनस नहीं रहता है। तुम लोग अभी भी देख सकते हो, तुम लोग ऑल आउट वगैरह जो है लगाते हो घर में, तो मॉस्किटोज पहले कुछ दिनों के लिए देखोगे बंद हो जाता है, उसके बाद देखोगे क्या होता है, फिर वो मॉस्किटोज जो है फिर से वापस अपीयर करते हैं, मतलब वो लोग क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, मतलब फिर ऑल आउट का नेक्स्ट नया जो है वर्सन निकलेगा, इसमें ये है वो है कह के वो लोग बिकाते। तो उसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स थे, मतलब कुछ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स थे जो लोग क्या किया, डीडीटी के अगेंस्ट में वो लोग रेजिस्टेंट डेवलप, मतलब रेजिस्टेंट हो गया वो। सेकेंड है डीडीटी वॉज डिस्कवर्ड टू हैव हाई टॉक्सिसिटी टूवर्ड्स दिस, ये तुम लोग जानते हो, रेन वाटर से वॉश होके जब भारी बारिश होता है तो क्या होता है, फील्ड में जो ये सब डीडीटी या फर्टिलाइजर्स सब तुम लोग जानते हो, ये सब क्या होता है, धुलकर
बारिश के पानी से धुलकर ये सब तालाब में या मतलब नदी में जाके मिल जाता है। तो तब वो जो सी ऑर्गेनिजम्स है, ये वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो लोग क्या करते हैं, डीडीटी या फर्टिलाइजर्स को ये खाते हैं। तो डीडीटी वॉज डिस्कवर्ड टू हैव हाई टॉक्सिसिटी टूवर्ड्स फिश, ये फिश के लिए बहुत ही खतरनाक है, तो जहरीला पदार्थ है फिश के लिए। तीसरा पॉइंट है, डीडीटी इज नॉट कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इट इज नॉट वेरी रैपिडली मेटाबोलाइज बाई एनिमल्स, अगर एनिमल्स इसको खा भी लेता है तो क्या होगा, बॉडी के अंदर ये मेटाबोलाइज नहीं होता है, और इंस्टेड क्या होता है, दे गेट डिपोजिटेड इन द फैटी टिश्यूज ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, तो गाय हो सकता है, हेन मुर्गी हो सकता है, उन लोगों के मतलब फैटी टिश्यूज में ये डीडीटी जाके जमा होता है, जो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसीलिए क्या होता है, इसको मतलब इस रीजंस के लिए डीडीटी को बैन किया गया था यूएसए में 1973। अब हम लोग दूसरा पॉलीहैलोजन कंपाउंड शुरू करते हैं, जिसका नाम है फ्रियॉन। फ्रियॉन के बारे में तुम लोग काफी कुछ जानते हो, मेनली जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट हैंड है। तो ये क्या है, पहले ये हम लोग डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑफ मीथेन एंड इथेन, मतलब मीथेन और इथेन का जितना भी हाइड्रोजन होता है, सब के सब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा फ्लोरीन और क्लोरीन से, ठीक है। इन विच ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस बाय हैलोजन एटम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रियॉन्स, जिसमें क्या होता है, तो एक देखो जैसे CF4, सी के साथ चार बॉन्ड है, चारों के चारों मतलब हाइड्रोजन मीथेन है, ये वाला मीथेन अगर होता, मीथेन के ऑल द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मीथेन आर रिप्लेस बाय किससे रिप्लेस हुआ है, कौन सा हैलोजन, फ्लोरीन से, फ्लोरीन या क्लोरीन से अगर होता है, इसे कलेक्टिवली इस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रियॉन कहते हैं। तो इसका नेमिंग देखो, ये फ्रियॉन 14 कैसे हुआ, कार्बन कितना है वन, इसलिए वन लिखा गया, और फ्लोरीन कितना है चार, इसलिए फोर, है ना। इसमें कार्बन कितना है, कार्बन एक है, फ्लोरीन कितना है थ्री है, तो फ्रियन वन थ्री, यहाँ पे कार्बन कितना है वन है, फ्रियन कितना, फ्लोरीन कितना टू, तो ये क्या होगा, फ्रियॉन 12, सी वन है, फ्लोरीन एक है, फ्रियॉन क्या होगा 11 होगा। ठीक उसी तरह अगर हम इथेन लेते हैं, देखो C2F4Cl2, C2F4Cl2, कार्बन कितना है टू, तो फ्रियॉन क्या होगा टू, फ्लोरीन कितना है फोर, फ्लोरीन इसका नाम हो जाएगा फ्रियॉन 24, इसका नाम क्या होगा, कार्बन कितना है देखो टू है, फ्लोरीन कितना है टू है, फ्रियॉन 22, इस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फ्रियॉन्स का नेमिंग होता है। अब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रियॉन देखते हैं। देखो मेनली हम लोग जो जनरली जो यूज होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड रेफ्रिजरेंट है, वो है फ्रियॉन 12। फ्रियॉन 12 मतलब CF2Cl2, CF2Cl2। तो इसको कैसे बनाया जाता है, इसको इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड बाई स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन से देखो CCl4+SbF3, ठीक है, SbF3 देखे स्वार्ट्स रिएक्शन, तुम लोग जानते हो AgF, SbF3, CoF2, दिस आर ऑल स्वार्ट्स रिएजेंट, देखिए हिट करने से क्या होता है, ये फ्रियॉन बनता है, ये है फ्रियॉन 12, ठीक है। 12 क्यों, कार्बन एक है और फ्लोरीन कितना है दो है। इट इज वाइडली यूज, इसका यूज देख लो, इट इज वाइडली यूज एज रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में इसको रेफ्रिजरेंट यानी कूलिंग एजेंट के हिसाब से इसको यूज किया जाता है, और इट इज यूज एज प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स एंड फोम्स, मतलब हेयर स्प्रे या डिओड्रेंट में इसको प्रोपेलेंट के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। इसके बाद है एनवायरमेंटल इफेक्ट, मोस्ट फ्रियॉन यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन में जो फ्रियॉन यूज होता है इवेंचुअली गोज टू द एटमोस्फियर, क्या होता है वो एटमोस्फियर में चला जाता है,
और एटमॉस्फेयर में जाके वो क्या हो जाता है, इट डिफ्यूजेस इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर, अनचेंज्ड जो है वो क्या होगा, डिफ्यूज करके स्ट्रेटोस्फीयर में घुस जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर में ये क्या करने लगता है, इट इनिशिएट्स चेन रिएक्शन, मतलब वो वहां पे रेडिकल चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा और विच कैन डिसरप्ट द नेचुरल ओजोन बैलेंस, जो ओजोन का नेचुरल बैलेंस है उसको क्या कर देता है, ओजोन बैलेंस को डिसरप्ट कर देता है एंड इट कॉजेस ओजोन होल्स। चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग तीसरा पॉलीहैलोजन कंपाउंड ट्राइक्लोरोमीथेन, तुम लोग सब कोई जानते हो क्लोरोफॉर्म के बारे में, तुम लोग सुने हो, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले जो है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन वैसे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, फिर भी तुम लोगों के जानकारी के लिए हम बता दिए हैं। देखो, क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी मेथड हम बता रहे हैं, बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद इथेनॉल और एसीटोन। इथेनॉल या एसीटोन के साथ ब्लीचिंग पाउडर का हीटिंग करने से क्या होता है, क्लोरोफॉर्म निकलता है। कैसे, देखो यह है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसको पानी मिलाओगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या, क्लोरीन निकलेगा। ये क्लोरीन क्या करता है, ये देखो CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल को यहाँ पे ये Cl2 जो मॉलिक्यूल है ये पहले इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करता है। व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो तुम लोग, ये H और ये H, ये दो H निकल जाता है, निकल जाने पर यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा एंड अल्कोहल विल गेट ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, इथेनॉल, ठीक है ना। इसके बाद फर्दर हम अगर Cl2 देंगे, 3Cl2, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, दे ऑल विल गेट रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, Cl से रिप्लेस हो जाएगा और ये तीन प्लस क्या बनेगा, प्लस 3HCl। तो इस कंपाउंड का नाम है क्या होगा, 2-2-2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल, इसे हम लोग कहते हैं क्लोरल, तो क्लोरल बनेगा। अब क्लोरल जो है, ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरल, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके इसका नाम है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, और ये कैल्शियम फॉर्मेट और क्या देता है, क्लोरोफॉर्म देता है। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब स्टूडेंट्स देखो, एक कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड का, एक कॉमन क्वेश्चन ये है, व्हाई इज क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल, यहाँ पे क्लोज्ड होगा, हाँ स्टोरी क्लोज्ड डार्क कलर्ड बॉटल्स विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल। तो हम पहला पार्ट का आंसर यहाँ पे बता रहे, देखो क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कॉल्ड फॉजीन, जिसे कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, CoCl2। तो क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और लाइट के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और लाइट क्या करते हैं, इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, इसके प्रेजेंस में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एक हाईली पॉइजनस गैस जो है क्या होता है, उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर बॉटल्स टू कट ऑफ लाइट एंड कंप्लीटली फिल्ड टू द ब्रिम टू एक्सक्लूड एयर। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, डार्क कलर बॉटल्स में इसको स्टोर किया जाता है। एक चीज और स्टूडेंट्स देखो, ये CaCl3 और O2 रिएक्ट करके CoCl2 दे रहा है, ये किस तरह से हो रहा है, एक रफ फॉर्म यहाँ पे बता रहे हैं। देखो CaCl3, C के साथ एक H है और क्या है, 3Cl है ना, यहाँ पे भी देखो एक C है, H है और 3Cl है। तुम लोग जानते हो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड बनाता है। तो यहां से H और Cl दो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म से दो HCl निकल जाता है, दो HCl मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसके जगह पे दो बॉन्ड खाली हो गया, एक एक ऑक्सीजन यहाँ पे घुस जाता है, डबल बॉन्ड ओ बन के घुस जाता है। तो क्या होगा, CoCl2, देखो CoCl2,
इसे क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं फॉस्जिन। ठीक है, तो इसीलिए मतलब इस तरह से फॉस्जिन बनाता है क्लोरोफॉर्म, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, क्लोज डार्कर में बॉटल्स में स्टोर किया जाता है। अब बच्चों देखो आंसर का दूसरा पार्ट पूछा गया था कि क्यों थोड़ी अमाउंट में हम लोग उसमें अल्कोहल मिलाते हैं। देखो तो 0.6 से 1% अल्कोहल इज आल्सो एडेड, मतलब क्यों, ये जो फॉस्जिन बना था ठीक है, ये फॉस्जिन अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, डाइथाइल कार्बोनेट। ये जो फॉस्जिन है हाईली पॉइजनस गैस है, इट वाज वंस यूज्ड इन वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर में ये यूज किया जाता था। तो अगर मान लो, अगर मतलब उस बॉटल के अंदर बाई चांस थोड़ा अमाउंट में अगर फॉस्जिन बना भी होगा, इथाइल अल्कोहल उस फॉस्जिन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, डाइथाइल कार्बोनेट बना लेगा, तो वो फॉस्जिन और पॉइजनस नहीं रहेगा। मतलब वो फॉस्जिन गैस को वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, डाइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए थोड़ी अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं, उसमें अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्लोरोफॉर्म की कुछ यूजेस और उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है देखते हैं। पहला पॉइंट है देखो यूजेस, इट इज यूज्ड एज ए जनरल एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जरी। तुम लोग को मालूम है ऑपरेशन से पहले क्या किया जाता है, पेशेंट को बेहोश किया जाता है, वो क्लोरोफॉर्म से किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर रेजिन, रबर, ऑयल, फैट, एल्कलॉइड्स। इट इज मतलब सॉल्वेंट के हिसाब से इसको यूज किया जा सकता है। मेजर यूज है, सबसे ज्यादा यूज होता है क्लोरोफॉर्म का फ्रियॉन बनाने में, फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये तीन क्या है, यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म है। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में देखो पहला पॉइंट है, इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है। अगर हम लोग ब्रीदिंग अबाउट 900 ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म फॉर ए शॉर्ट टाइम, 900 ppm अगर क्लोरोफॉर्म हम लोग ब्रीद करते हैं, तो इससे क्या होता है, डिजीनेस आता है, फैटिग आता है, हेडेक आता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का क्रॉनिक एक्सपोजर क्या कर सकता है, किडनी और लिवर को डैमेज कर सकता है। और सम पीपल डेवलप्स सोर्स When skin comes in contact with chloroform, अगर contact में आता है skin के साथ chloroform का exposure हो जाता है, किसी किसी में क्या हो जाता है, घाव होने लगता है। चलो students, अब हम लोग next जो है polyhalogen compound पढ़ते हैं, इसका नाम है carbon tetrachloride। ये method of preparation देखो, ये तुम लोग बचपन class 9-10 में भी ये method of preparation पढ़े हो। मीथेन के साथ अगर क्लोरीन रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन एंड डिफ्यूज और डिफ्यूज सनलाइट, तो क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। इसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके यूजेस पढ़ लेते हैं, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल। रेफ्रिजरेंट या कूलिंग एजेंट बनाने के काम में लगता है, या प्रोपेलेंट यानी डिओड्रेंट वगैरह उसमें जो है एरोसोल के हिसाब से में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड एज ए फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ सीएफसी। फ्रियॉन या सीएफसी जो है बनाने के काम और दूसरे केमिकल्स बनाने के काम में इसको यूज किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को। नेक्स्ट है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको सॉल्वेंट के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग फ्लूइड, मतलब साफ करने के लिए डीग्रीजिंग एजेंट या स्पॉट रिमूविंग एजेंट। ठीक है, मतलब दाग वगैरह छुड़ाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ CCl4 और इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है, ये दो हम लोग चेक करते हैं। तो एक्सपोजर ऑफ CCl4 कॉजेस लीवर कैंसर इन ह्यूमन। ठीक है, क्यों बोलो, तो ये वहां पे ना मेटाबोलाइज होके फॉस्जिन बनाता है, तो वो क्या कर सकता है, लीवर में, लीवर या किडनी में कैंसर कर सकता है। मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स आर, मतलब ये लीवर कैंसर हो जाने पे या मतलब CCl4 का ज्यादा एक्सपोजर हो जाने से क्या क्या हो सकता है, डिजीनेस, हेडेक, नौसिया, वॉमिटिंग,
और अगर सीवियर केस होता है मतलब ज्यादा अमाउंट में सीसीएल वेपर्स इनहेल कर लेते हो तो स्टूपर, कोमा, अनकंसियसनेस या डेथ भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है एक्सपोजर टू सीसीएल फॉर वेपर्स कैन मेक हार्ट बीट इरेगुलर, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाता है या ये बंद भी कर सकता है। ठीक है, When brought in contact with eyes, it causes irritation. अगर आई के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, इरिटेशन होता है। अब चलो एनवायरमेंटल इफेक्ट देखते हैं। जब CCL4 एयर में रिलीज होता है ये कहाँ पे जाता है, ये गोज इन टू द एटमोस्फियर मतलब स्ट्रेटोस्फियर जो है, एटमोस्फियर का स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन तुम लोग को मालूम है, वहां ऊपर में ओजोन लेयर पाया जाता है। उस ओजोन लेयर को वो क्या करता है, डिप्लीट करता है। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इंक्रीजेस द ह्यूमन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, मतलब यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर ज्यादा हो जाएगा, व्हिच मे लीड टू इंक्रीज स्किन कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है, आई डिजीज हो सकता है या डिसरप्शन ऑफ इम्यून सिस्टम हो सकता है। अब बच्चों अगला पॉलीहैलोजन कंपाउंड है आयोडोफॉन CHI3। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये तुम लोग बाद में एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर में भी तुम लोग को मिलेगा। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द एक्शन ऑफ आयोडीन स्लैश NaOH ऑन इथेनॉल और एसीटोन। इथेनॉल या एसीटोन के साथ आयोडीन और NaOH का रिएक्शन करने पर आयोडोफॉर्म बनता है CHI3। तो यहां से कॉमन क्वेश्चन आता है कि Why iodoform is used as antiseptic? ये क्वेश्चन कॉमन है सीबीएसई में देखोगे तो बोलोगे कि इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, ये यूज में भी आएगा। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म इज नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ बट व्हेन आयोडोफॉर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ स्किन, है ना, जब स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है तो तब क्या रिलीज करता है, इट लिबरेट्स आयोडीन। दिस आयोडीन इम्पार्ट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी टू आयोडोफॉर्म। चलो स्टूडेंट्स अब हम लोग लास्ट जो है पॉलीहैलोजन कंपाउंड स्टार्ट करते हैं, मिथिलीन क्लोराइड CH2Cl2। ठीक है, CH2Cl2। तो ये किस तरह से बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोल्ड हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में मीथेन का कंट्रोल्ड हैलोजिनेशन करने पर तब क्या बनता है, मिथिलीन क्लोराइड बनता है, CH2Cl2 बनता है। इसके यूज चेक कर लेते हैं। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट रिमूवर, एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसॉल। देखो लगभग जितना भी पॉलीहैलोजन कंपाउंड है सबका यूज लगभग सेम टू सेम ही है और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी देखो लगभग सेम टू सेम है। इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्री, डिग्रीजिंग एजेंट, स्पॉट रिमूवर एट होम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया यूजेस और अभी बाकी है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। पहला पॉइंट, एक्सपोजर ऑफ स्मॉल लेवल ऑफ मिथिलीन क्लोराइड इन एयर कॉजेस स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग, सुनने में थोड़ा सा कमी आएगा, एंड विजन दिखाई भी धुंधला देगा। हाई लेवल इन एयर कॉजेस डिजीनेस, ठीक है, डिजीनेस आएगा, नौसिया आएगा, वॉमिटिंग टाइप का फीलिंग आएगा, नंबनेस इन फिंगर्स एंड टोज। और नंबर टू है डायरेक्ट कंटेक्ट ऑफ मिथिलीन क्लोराइड विथ स्किन कॉजेस इंटेंस बर्निंग। डायरेक्ट कंटेक्ट में होगा तो क्या होगा, जलना मतलब बर्न जैसा लगेगा, जलने लगेगा। डायरेक्ट कंटेक्ट विथ आई कैन बर्न कॉर्निया, अंधापन भी यानी ब्लाइंडनेस भी ला सकता है। बच्चों जो भी नोट्स इस हम बोर्ड वर्क में बताए हैं सब नोट कर देना, तुम लोग के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।